इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां हाई कोर्ट में 43 पुलिसकर्मी दोषी सिद्ध किए गए। एससी ने 7 साल की सजा सुनाई, 10,000 जुर्माना लगाया गया। 1991 में पीलीभीत में फर्जी एनकाउंटर वाला यह मामला है। हाई कोर्ट में 43 पुलिसकर्मी दोषी सिद्ध किए गए। एचसी ने 7 साल की सजा सुनाई है, 10,000 जुर्माना भी लगाया गया है। 1991 में पीलीभीत में फर्जी एनकाउंटर वाला यह मामला है, जिसका खुलासा हो गया है और जो भी पुलिसकर्मी उसमें अपराधी पाए गए उनको जो है उनको 7 साल की सजा हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलीम सिकंदर वारसी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अलीम, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है, जहां हाईकोर्ट में 43 पुलिसकर्मी दोषी सिद्ध किए गए हैं और इनको सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है 1991 में पीलीभीत में जो फर्जी एनकाउंटर हुआ था, मामला है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में सिखों को फर्जी आतंकवादी बताकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 43 पुलिसकर्मियों पर मामला चल रहा था। इन सभी को पहले उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, मगर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने इसी के साथ सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और इस मामले में एक अहम बिंदु ये है कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पुलिसकर्मियों को भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत सुनाई गई सजा को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले के दौरान कहा कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के अपवाद है, अपवाद के तहत आता, इसलिए गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर हमने बताई, जो हाईकोर्ट के पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है। बता दें 1991 में जो मामला हुआ था पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर का, उसकी आज सुनवाई हुई और 10,000 जुर्माना और 7 साल की सजा हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई।